हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप्स आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से अच्छी हूँ एंड स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज हमारे को थर्ड डे है करछारी में ही भाभी के घर पे। जैसे कि आप सभी को बताया गया, आजकल मैं भाभी के घर आई हूँ और 4:50 हो चुके हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम से कर रही हूँ। दिन भर करने के लिए हमारे पास कुछ खास नहीं था, तो अभी मैं ब्लॉग इसलिए शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि कल हमने घर जाना है। तो आज भाभी की जो चाची वगैरह है, उन्होंने हमारे को डिनर पे इनवाइट किया है, सबको, मुझे, आंचल को, मईशा को और भाभी को। तो आज हम वहाँ डिनर पे जाएंगे। तो डिनर पे जाने से पहले यार तैयारी व्यारी तो करनी पड़ती है, नहाना धोना पड़ता है। मैं तो लिटरली सुबह से मुंह हाथ भी नहीं धोया हुआ है। तो अभी जैसे ही ये लोग आएंगे, यहाँ देखो मईशा भी यहाँ पे आ गई है। अभी मैं ना रूम पे आई थी यहाँ पे। हेलो करो मईशा, बोलो हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी? ये मेरी लाडो रानी है। तो अभी ना मैं प्रेस करने आई थी, मैंने सोचा कि पहले कपड़ों में प्रेस वगैरह करके रखती हूँ। भाभी अभी नहाने गए हैं तो उसके बाद मैं भी नहा जाऊंगी एंड तैयार व्यार होके रहेंगे, फिर बाकी चीजें करेंगे। देखते हैं बाकी क्या क्या होता है। जो भी चीजें होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बने रहिए पूरे व्लॉग में, आपको मजा आने वाला है। तो मैं भी नहा धो के पहले तो प्रेस कर लेती हूँ, फिर बाकी चीजें करती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ना प्रेस रखी थी और अब प्रेस लगा दूंगी क्योंकि ये ना गर्म हो चुकी है। अपने सूट में मैं प्रेस लगाती हूँ। तो गाइज अब ना हम प्रेस कर लेते हैं पहले कपड़ों में, फिर आपसे मिलेंगे। मैं पहले प्रेस कर लेती हूँ अच्छे से। और अब क्योंकि देखो यार लोगों ने भी बहुत मतलब अपना करके बुलाया होता है, तो इसलिए फिर स्किप करना फिर ऐसा हो जाता है। देखो बहुत उससे बुलाते हैं, अपने प्यार से बुलाते हैं लोग भी, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी हम शाम को डिनर पे ही जाएंगे वहाँ पे, और पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है, बोलो गाइज प्रेस कर लेते हैं हम। बोलो आप लोग करते हैं? बोलो हाँ, बोलो मेरी वीडियो देखने के लिए, बोलो सब्सक्राइब करें, फिर मैं आपको दिखूंगी। बोलो ओके गाइज। फिर ये देखो भाभी को देख रहे हो? यस, आप तो नहाने गए थे। मतलब अभी मैं थोड़ा रूम साफ करने आई हूँ। पहले आपने बोल दिया हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ हम जा रहे चाचू के घर, मेरे चाचू के घर, मेरे प्यारे चाचू के घर। ये देख रहे हो? तो चलो पहले प्रेस कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी देखो प्रेस कर रही थी, प्रेस करते करते कमीज में प्रेस हुई पर प्लाजो में हो नहीं पाई बिकॉज लाइट चला गई थी। अब जैसे लाइट आएगी वैसे ही उसके बाद हम प्रेस वगैरह करना स्टार्ट करेंगे, मतलब प्लाजो में ही रह गया। उसके बाद फिर नहाने जाऊंगी मैं, पहले भाभी जाएंगी फिर मैं जाऊंगी, फिर देखते हैं। और फिर जाएंगे हम शाम को चाची के घर फिर, क्योंकि कल हमें घर भी जाना है। दैट्स वाई आज उन्होंने बुलाया है, क्योंकि कल फिर शाम तक इसी वक्त हम कल नज़दीक में ना, यही फ़ायदा है कि शादी करने के, यही फ़ायदा है कल नज़दीकी में कि अगर आप देखो यहाँ से उतना ही टाइम लगता है। अगर हम यहाँ से कल शाम को भी निकलते हैं, मतलब दिन में भी निकलते हैं, तो इजीली पहुँच जाते हैं तो आराम से। तो इसीलिए बाकी हम बाकी चीज़ें आपको कल दिखाएंगे, अभी फ़िलहाल आज का आप इन्जॉय लीजिए और व्लॉग को एंड तक देखिए। ये देखो गाइज़ यहाँ देखो तैयार हो गए ये लोग, मैं ही बची एक। ये इसको देख रहे हो यहाँ है क्या हुआ? मैं डल गई थी, डल गई। माय जने दिया सी हो, देख रहे हो गाइस, यहाँ देख रहे हो, इन लोगों को देख रहे हो। ये लोग तो कपड़े पहन के तैयार हो भी गए, मेरे वायरी में लाइट ही चलेगी। ये देखो तो गाइज फाइनली मैं नहा धो के आ गई हूँ और लाइट इतनी गंदी है ना, मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा, लेकिन लाइट उसके बाद आई। तो मैं अभी नहा धो के हो गई हूँ तैयार और अब तैयार हो जाती हूँ, थोड़े से बाल सुखाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आंचल तो पीछे ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत मैं इससे मांग लूंगी भिखारियों की तरह। तो गाइज यहाँ देखो फिलहाल हम तैयार हो गए हैं चाची के घर जाने के लिए। और देखो यहाँ पे आंटी ने इतने सारे स्नैक्स, यार आंटी ना इतनी मेहनत कर रही है हमारे ऊपर और हमने कुछ भी नहीं खाया। सुबह भी ब्रेकफास्ट में इतना सारी चीज़ें थी लेकिन हमने खाया नहीं, ऐसे बदतमीज है ना हम तो। ये देखो यहाँ पे चाय है और ये लिंगड़े की सब्जी है। ये देखो अंकल ने काटा ही अभी, आंटी ने लाया, थोड़ी देर पानी के लिए गए थे वहाँ से लाया। वाह
देखो भाभी। ये देखो गाइस, तो हम मतलब चाय वगैरह पी के फ्री हो गए और इधर देख रहे हो लोगों को, लोग भी तैयार हो गए। तो अभी देखो हम माइशा को दिखाती हूँ आपको, माइशा भी हो गई तैयार, फिर चलते हैं हम चाची के घर। देख रहे हो मच्छर की वजह से इसके कपड़े चेंज करने पड़े, क्योंकि कल भी परसों भी इसको खा लिया था, तब इसको थोड़ा सा फीवर आ गया था, मतलब थोड़ा नहीं था। तो क्या आया था माइशा आपको, क्या आया था माइशा आपको? फीवर। ये देखो भाभी भी इधर तैयार हो गए। इधर देखो माइशा की नानी माँ। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, और पीछे आपको मिरर में आंचल भी दिख रही होगी। तो मेरा ये फाइनल लुक है, और आज मैंने पहाड़ी लुक पहना है, सूट और सदरी मैं बहुत कम पहनती हूँ जैसे कि आप सभी को पता है। तो आपको मेरा ये लुक कैसा लगा आप जरूर बताइएगा मुझे। हम बाय करके जा रहे हैं, आंटी को लग रहा है क्यों जा रहे हैं अभी से। ये देखो चल पड़े हम। तो गाइस देखो यहाँ से ना हम चल पड़े हैं अब आंटी जी के घर, मतलब चाची के घर। और यहाँ देखो गाइस माइशा की खुशी देख रहे हो, घूमने की तो उसको कतई ही खुशी होती है। यहाँ है, यहाँ देखो हम गाइस यहाँ पहुँच गए। ये देखो तो बा आपको ही दिखते वैसी ऐसी चीजें, मुझे तो दिखा नहीं। ये देखो आ गए हम गांव में बीच में, यहाँ देखो पहुंच गए हम चाची के घर में। ये पैकेट पकड़ो, टिकट। महाराज जी कैसे हैं आप? बस ठीक है, ठीक है, बढ़िया। हेलो, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। हम यहाँ पे चाची के घर पे पहुंच गए। देखो मैं जब आई थी तब नहीं था ना इतना कुछ यहाँ पे बना, फाइनली हम पहुंच गए थे चाची के घर पे। चाची इतनी खातिरदारी कर रहे हो, इतने स्मार्ट हो रहा, टेंशन लो। तो होप सो गाइस आपको आज का ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।